नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। देश के यूनियन बजट के महज अगले ही दिन धारवाड़ा नगर पालिका में शुक्रवार को वित्तीय बजट 2024-25 पेश कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष कंवर सिंह की अध्यक्षता में करीब 16 करोड़ 58 लाख रुपए वाला लाभ का बजट पेश किया गया। आम व बजटीय बैठक की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 15 में से 13 नियमित की गई कॉलोनियों में विकास करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। ऐसे में हजारों की संख्या में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने पर भी मोहर लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया कि बीते साल के वित्तीय वर्ष की रिकवरी को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अब आपको दिखाते हैं बजट बैठक के बाद तमाम मसलों को लेकर धारवाड़ा नगर पालिका सचिव प्रवीण चिकारा व पार्षद नानक चंद ने क्या कहा। आज हमारे नगर पालिका में हमारे वित्तीय उसका बजट था जो हम सभी पार्षदों ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब पास हो गए और भाई सभी कर्मचारी हमारे यहाँ बहुत अच्छे मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास हमारे धारवाड़ में बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी 15 कॉलोनी हमने पास होने के लिए दी थी जिसमें 13 कॉलोनियाँ बिल्कुल पास हो गई है। आज उनका सभी पार्षदों से कह के हरेक वार्ड के दो दो काम ले लिए हैं जो सेक्रेटरी साहब ने मंजूर। धारवाड़ में कोई विकास की कमी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। आज हमारी नगर पालिका धारवाड़ा की सदन की बजट मीटिंग थी जिसमें हमारा जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अब हमारा बजट पास किया है पार्षदों ने, सारी कमेटी के सदस्यों ने। इसमें हमारा जो इनकम था वो 16.59 करोड़ का इनकम साइड है तथा हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमारा प्रपोजल्स बजट का वो 16.57 करोड़ का है। इसमें हमने सारी चीज़ें सम्मिलित की है, अपनी फाइनेंस कमेटी से इसको दिखाया है तथा बहुत सौहार्दपूर्ण में हमारी दोनों मीटिंगें हुई। हमारी जनरल मीटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हुई तथा हमने जो मेन एजेंडे रखे हुए थे उसमें हमारा जो डिस्पोजल यूनिट बनाने का था वो था। जो हमारी कॉलोनियाँ न्यूली अप्रूव्ड हुई हैं 15 में से 13 जो धारवाड़ा की ऑलरेडी हो चुकी हैं, उन सभी कॉलोनियों में डेवलपमेंट वर्क के लिए डिस्कस हुआ। जिनमें पानी तथा सीवर की लाइनें बिछी हुई हैं उनमें रोड कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए प्रस्ताव पास करवाए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य कई मुद्दे थे, एक कम्युनिटी सेंटर का हमारा का रिपेयर का था, एक कम्युनिटी हॉल बनाने का मामला था तथा जो जो हमारे पार्षदों ने अपनी डिमांड रखी गई उन सभी को एजेंडे में शामिल किया गया तथा हमने ये कहा है कि हमारे जो तकनीकी शाखाई अधिकारी वे सभी मिलके जो भी पार्षदों द्वारा अपने प्रस्ताव दिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। जिस तरह से बताए 13 कॉलोनी एक बड़ी कहीं ना कहीं आबादी थी उसके लिए राहत देने का काम करेंगे, जिस तरह से आप मूलभूत सुविधाएं सीवर पानी की तमाम जो बात कर रहे थे, इस पर कितना आकलन आपका है कि कितना खर्च होगा इसमें? देखो, इसमें जो हमारी बेसिक धारवाड़ा में जो इशू है वो इशू ये है कि सीवर तथा पानी की लाइनें जो लाल डोरे का एरिया भी है, जो पहले से अप्रूव्ड एरिया है उसमें भी काफ़ी जगह पर नहीं है और जो अभी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई उनमें से कुछ कॉलोनियों में सीवर तथा पानी की लाइनें हैं। जिन जिन में लाइनें ऑलरेडी बिछी हुई है उनमें आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कराएंगे। अभी हमने जो जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई हैं सबसे दो दो डेवलपमेंट वर्क पार्षदों से लिए हैं। वे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहाँ PHND डिपार्टमेंट ने पहले से ही लाइनें बिछाई हुई। एक सर पानी का मुद्दा था, उस पर भी कुछ समाधान अभी प्रयास है क्या कि बजट में बैठक थी जो स्थायी समाधान के भी जो चल रही है? ये भिवाड़ी से गंदे पानी आने का इशू है, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर नज़र रखे हुए है तथा यह मामला सरकार के लेवल का है, दो स्टेट का इशूज है। इस पर हमारी इस नगर पालिका की धारवाड़ा की मीटिंग में कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो एक तो आपने डिस्पोजल बताया बड़ा मसला था, और कोई बड़ा मसला था कि जब धारवाड़ा के लोगों को राहत मिलने वाली इसमें बजट में रखा गया? देखो, हमारे इस धारवाड़ा के जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार यहाँ पर पधारे थे तो उन्होंने जो गांव वासियों ने जो जनसंवाद के दौरान 4-5 मेन पॉइंटें लिए थे
जिनमें कि एक इशू था जी हमारा जो अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण का इशू था, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उनका हमने कंसल्टेंट हायर करके उसका एडमिन लेते हुए उसको टेक्निकल के लिए ऐसे मानेसर को भेजा हुआ है। इसके साथ साथ एक फिरनी के रस्ते का इशू था, उसका भी ऑलरेडी हमने टेंडर प्रोसेस करके रेट अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। एक आम बड़ा प्रोजेक्ट था, एक भटसाना रास्ते का इशू था, उसको भी हमने टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उसको TEC जो फॉर्मेशन होता है एवल्यूशन के लिए टेक्निकल बिड के लिए, उसके लिए MC करनाल के पास है अभी प्रेजेंट में। इसके अलावा जो रिनोवेशन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर था उसका भी प्रोसेस चल रहा है। जितने जितने मेन इशूज थे आम जनता के, हम उन पर सभी पे कार्य कर रहे हैं। सर, एक पिछले दिनों में देखा गया जब स्वच्छता रैंक आई थी तो कहने का उसमें गिरावट जाती थी, क्या मेन कारण था, तो उस पर भी कोई चर्चा हुई है कि ताकि उसको बेहतर किया जाए? स्वच्छता सर्वेक्षण पे इस मामले में कोई चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई, कि लास्ट टाइम जब सर्वेक्षण टीम आई थी उस टाइम पे भिवाड़ी से गंदा पानी आया हुआ था, सारे रोड पे पानी खड़ा हुआ था, उसी दिन वह टीम आई थी, इससे बहुत काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। इस पर हम एक पॉइंट और एक पहलुओं पर नज़र रख रहे हैं कि कैसे कैसे हमने अपनी स्वच्छता रैंकिंग को अगली बार बढ़ाना है, और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अगली बार दारू डेटा रैंकिंग पुराने वाले रिकॉर्ड से भी ऊपर जाए। 91 करोड़ का बजट रखा था तथा हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 12.82 CR की रिकवरी कर ली है, तथा जनवरी माह में हमारा स्टैंप ड्यूटी का भी पैसा आ गया है, इसलिए हमने 95% का तो ऑलरेडी हमने पिछले बजट की जो रिकवरी थी वो पूर्ण कर चुकी है। और हमारा टारगेट यही है कि 31 मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर तक जितना हमारा पिछला टारगेट था इनकम का, उससे हम ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं रहेंगे। सर, अब पिछले बजट के मुकाबले तुलना तो कुछ बजट बढ़ाया गया आपकी बार, कितना बढ़ा गया है? देखो, पिछले बजट के हिसाब से इस बार हमने थोड़ा सा बजट को कम किया है, क्योंकि पिछली बारी काफ़ी ये था कि हमने कई चीज़ों में पैसा ज़्यादा लगा रखा था, क्योंकि हमारी कुछ प्राप्तियाँ गवर्नमेंट से आने वाली थी, जैसे स्टैंप ड्यूटी का पैसा था जो इस बारी हमें भी जनवरी माह में प्राप्त हो चुका है, उसी हिसाब से हमने एक रियलिस्टिक बजट बनाया।